करें। नमस्कार, मैं वंदना परगनिया, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ऊपरवारा से। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को पढ़ेंगे। विद्युत धारा, इस शब्द से ही कुछ समझ में आता है आप लोगों को? जरूर आप परिचित हैं। कभी कभी खुले हाथों से आपने विद्युत परिपथ को छू करके देखा है? नहीं ना, कभी नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमें करंट लगेगा। करंट, सामान्य भाषा में, आम बोलचाल में हम इसे करंट कहते हैं, वास्तव में ये है विद्युत धारा। तो आइए हम पढ़ेंगे आज विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझने के पहले हमें समझना होगा कि ये किस प्रकार से होता है, या विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, किस प्रकार से हम जानेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। इसे समझने के लिए समझते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, यदि कोई पदार्थ अपने में से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है तो ये कहलाते हैं विद्युत सुचालक या विद्युत के अच्छे चालक। आपने कभी गीले हाथों से विद्युत बोर्ड को छू करके देखा है? यदि आप छुएंगे तो आपको निश्चित ही करंट लगेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके हाथ गीले थे, आपके हाथों में पानी लगा हुआ था, और पानी विद्युत का सुचालक है, इसीलिए विद्युत धारा आप तक पहुंच पा रही है। और यदि आपने हाथों में रबर के दस्ताने पहने हो और आप जा करके बिजली के बोर्ड को छू रहे हो, या आपका हाथ सूखा हो, तब आप विद्युत परिपथ को छुएंगे तो क्या होगा? सूखे हाथों से भी अगर खुले विद्युत परिपथ को हम छुएंगे तो हमें करंट लगेगा। लेकिन यदि आप दास्ताने पहन करके विद्युत परिपथ को छूते हैं तो क्या होगा? प्लास्टिक के दास्ताने पहनने से विद्युत परिपथ को छूने पर भी आपको करंट नहीं लगेगा। अर्थात ये जो प्लास्टिक है वो क्या है? विद्युत के हीन चालक। वे पदार्थ जो अपने में से होकर के विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं विद्युत के हीन चालक। इसके उदाहरण आप बता सकते हैं? आपके आसपास फैले हुए बहुत सी चीजें हैं जिसे आप उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, है ना? आपका कार्य होगा आज आप एक सारणी बनाइएगा और सारणी में उन चीजों को लिख के रखिए। एक ओर सारणी में आप बनाए विद्युत के सुचालक और दूसरी ओर विद्युत के कुचालक। सुचालक पदार्थों के नाम आप लिखेंगे और कुचालक पदार्थों के नाम आप कुचालक श्रेणी की ओर लिखेंगे, ठीक है? ये आप करके जरूर देखिएगा। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहेंगे? यदि किसी चालक द्रव में, चालक द्रव मतलब जो कि विद्युत का सुचालक, चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस द्रव में रासायनिक अभिक्रिया होती है, और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसे ही हम कहेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण द्रव में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम कहेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अच्छा, आपने घरों में देखा होगा कि किसी चीज में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं घर में? देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा टेस्टर,
ये जो टेस्टर है इसके माध्यम से ही हम यह पता लगाते हैं कि किसी पदार्थ में विद्युत चालन हो रहा है अथवा नहीं। टेस्टर को जब हम स्विच बोर्ड में लगा करके देखेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? टेस्टर में एक लाइट जलेगी, अर्थात यहाँ पर विद्युत चालन हो रहा है। और जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, लाइट जलनी बंद हो जाए। देखिए, एक चित्र दिया है सेल के साथ, बल्ब जोड़ करके। टेस्टर के साथ हमने वो दो तारों को जोड़ा है, एक जो कि सेल से जुड़ा हुआ है और दूसरा बल्ब से होकर के। अर्थात यहाँ पर टेस्टर के उस भाग में हमने तार को जोड़ा हुआ है जहाँ पर धातु प्लास्टिक के स्थान प्लास्टिक के ऊपर नहीं जोड़ा है। यदि एक तार को हटा दे या जो तार सेल से जुड़ा हुआ है उसे हम टेस्टर से हटा दें तो टेस्टर में लाइट जलनी बंद हो जाएगी और परिपथ भी अपूर्ण होगा, जिससे कि जो लाइट है वो बुझ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम तार को पुनः टेस्टर के धातु से जोड़ते हैं, लाइट जलने लगेगी, अर्थात परिपथ भी पूर्ण हो रहा है और लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। आइए इसे समझने के लिए कुछ और क्रियाकलापों को समझते हैं। एक क्रियाकलाप, आपके घरों में बहुत सी चीजें उपलब्ध होती है, ये क्रियाकलाप तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दो तार आपको लेना है, कोशिश करें तार के जो टुकड़े हैं वो आपके अलग अलग रंग के हों, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रयोग को कर सके और समझ भी सके। दो अलग अलग रंग के तार लेने हैं, कॉपर का तार हो तो बहुत अच्छा, कॉपर अर्थात तांबा। अब दोनों तारों में एक स्थान से बैटरी को जोड़ देंगे, जैसा चित्र में दिया हुआ है, देखिए, और दूसरे छोर पर बल्ब। कटोरी लेंगे, कटोरी में अलग अलग द्रव लेकर के देखिए, एक में सामान्य पानी लीजिए, दूसरे में नींबू का रस, दूध तीसरे में। अब ले करके बारी बारी से आप तारों के अगले सिरों को उन द्रवों में डुबा करके देखिए। पहले आप क्या करें, नींबू का रस लें। नींबू के रस को जिस कटोरी में आपने लिया है उसमें दोनों तार को डुबा करके देखिए, थोड़ी देर रखें, क्या होगा? क्योंकि नींबू का रस विद्युत का सुचालक है, ये क्या करेगा, विद्युत परिपथ को पूर्ण करेगा और आपका बल्ब जलने लगेगा। लेकिन यदि आप इन्हीं तारों को आसुत जल में डालते हैं तब क्या होगा, करके देखिएगा। आसुत जल में डालने पर बल्ब नहीं जलेगा, इसका क्या कारण हो सकता है, सोचिएगा जरूर, हमने आगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जी क्योंकि जो नींबू का रस अम्लीय होता है जी हाँ और जो पानी रहता है उसमें नहीं होता अम्लीय। हाँ आसुत जल में आसुत जल में कोई खनिज लवण नहीं मिला होता है, जिसके कारण ये विद्युत परिपथ को पूर्ण नहीं होने देता। यहाँ पर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसीलिए आसुत जल से परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलती है ना? जी इसी के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं। पिछली कक्षा में, कक्षा 7वीं में, एक प्रयोग दिया गया था चुंबकीय कंपास के माध्यम से। इस कक्षा में भी चुंबकीय सुई के विक्षेप को बताने का प्रयास किया गया है। क्या करेंगे हम,
एक माचिस की डिब्बी लेंगे, उसमें हम चुंबकीय सुई लेंगे और चुंबकीय सुई को रखने के बाद डिब्बे के चारों ओर तार को लपेट देंगे। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, माचिस की डिब्बी है जिसमें चुंबकीय सुई रखा हुआ है और तार को उसके चारों ओर लपेटा गया है। तार जो लपेटा गया है माचिस की डिब्बी में, उसका एक सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा नीचे की ओर है। अब आप जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? जो दो सिरे हैं तार के, उसे यदि हम अलग-अलग द्रव में डुबाते हैं, जैसे नींबू का रस, सिरका, आसूत जल या वनस्पति तेल, तो इन जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप होता है या नहीं होता है, इसे हम प्रयोग करके देखेंगे। आगे एक वीडियो आपको दिखाया गया है जिसमें आपको ये पूरा प्रयोग करके दिखाया जाएगा। ठीक है, इस प्रयोग के आधार पर एक सारणी आपको बनानी होगी। देखिए, नींबू का रस, नींबू का रस क्योंकि विद्युत का पहले ही हमने प्रयोग में पढ़ लिया था कि ये विद्युत का सुचालक है। यदि विद्युत धारा प्रवाहित होगी अर्थात चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा या नहीं होगा? जरूर, अगर नींबू का रस विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, इसका अर्थ ये है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा, मतलब चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। और चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है मतलब नींबू का रस क्या है? विद्युत का सुचालक। और इसके उसी प्रयोग में हमने ये भी समझा था कि आसुत जल कैसा था, ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रहा था या नहीं दे रहा था? आसुत जल विद्युत का हीन चालक होता है, अर्थात चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा या नहीं होगा? निश्चित ही चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। और यदि चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं होता है मतलब ये विद्युत का हीन चालक है। इसी प्रकार नल का जल में खनिज लवण मिले होते हैं, और यदि खनिज लवण मिले होते हैं तो क्या होगा? ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा या नहीं देगा? विद्युत धारा को नल का जल प्रवाहित होने देगा, ये विद्युत परिपथ को पूर्ण करेगा, अर्थात चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा। और यदि चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है, इसका अर्थ है ये विद्युत का सुचालक है। अब आपके लिए ये गृह कार्य है, आप नमक के घोल में, वनस्पति तेल में, शहद में यह प्रयोग करके घर में देखेंगे। प्रयोग के लिए कुछ नहीं लगेगा, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। नमक का घोल, वनस्पति तेल जो आपके घरों में उपलब्ध होता है, शहद भी ज्यादातर घरों में उपलब्ध होता है, और एक ऑप्शन आप ले सकते हैं दूध। इसे लेकर के आप प्रयोग करके देखेंगे। प्रयोग के लिए आपको क्या लगेगा? चुंबकीय कंपास। चुंबकीय सुई यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप अपने शिक्षकों की मदद जरूर लीजिएगा। इसके लिए शिक्षकों से चुंबकीय सुई लेकर के उसे माचिस की डिब्बी में डाल के उसके चारों ओर आपको तार को घुमाना है। इसके लिए दो तार लगेंगे और एक बैटरी। और ये प्रयोग आप करके देखिएगा, जो सेटअप आपकी पुस्तक में दिया हुआ है उसके अनुरूप आप इसे सेट कीजिए, और सेट करने के बाद आप इन प्रयोगों को करके देखिएगा। जब आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको बड़ा अच्छा लगे, आनंद आएगा, और ये प्रयोग करने से आपको विषय वस्तु भी बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है।
एक प्रयोग और है। हमने इसे सामान्य नल के जल के साथ और आसुत जल के साथ करके देखा है। उसके अलावा हम और भी कुछ चीजों के साथ कर सकते हैं। इस प्रयोग में आपको क्या करना है? यहाँ पर मैंने चित्र आसुत जल और सामान्य जल का दिया है, लेकिन आपको ये करना है 3 बीकर लेने हैं और 3 बीकर, बीकर ना हो तो आप कांच के गिलास में पानी ले लीजिएगा। आसुत जल आपको 3 कांच के गिलास में आसुत जल लेना है। आसुत जल मतलब शुद्ध जल है ना, और उस जल में आपको अलग-अलग चीजें मिलानी है। एक में नींबू का रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे में कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको आसानी से, कास्टिक सोडा आपको आसानी से घर में मिल जाएगा। और या आप डिटर्जेंट पाउडर भी जानते होंगे, वो आप मिलाइएगा। और तीसरे में मिलाना है आपको थोड़ी सी शक्कर या चीनी। अब ये करके आप विद्युत परिपथ का निर्माण करें और बारी बारी से तीनों द्रव में ये प्रयोग करके देखें। तीनों में जब आप प्रयोग करेंगे तो आप ये देखिए कि इनमें से क्या विद्युत का चालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यही प्रयोग को हम फिर से करके देख रहे हैं सामान्य पानी के साथ। नल का जल लेना है आपको और एक बैटरी से 2 तारों को जोड़ना है और उन दोनों तारे तारों के दोनों हिस्सों को, दो सिरों को पानी में डालिए और डालने के बाद थोड़ी देर रख करके देखिए। बच्चों, आप लोगों ने ये प्रयोग अपने स्कूलों में अपने शिक्षकों के माध्यम से जरूर किया होगा। आपको शायद याद हो, आपके शिक्षक 2 पेंसिल लेते हैं दोनों ओर से छिली हुई, और दोनों पेंसिल के एक सिरे को, एक एक सिरे को पानी के अंदर डुबाते हैं और दूसरे सिरे से तार को जोड़ते हैं, है ना? ये प्रयोग आपने किया होगा। एक तार जो है वो एनोड के रूप में कार्य करता है और दूसरा कैथोड के रूप में। बैटरी के धनात्मक सिरे से जो जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है, जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है वो कहलाता है एनोड, और जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ तार होता है वो कहलाता है कैथोड। जब आप इन दोनों तारों को पानी में डालेंगे और कुछ देर बाद देखेंगे तो वहां पर आपको बारीक बुलबुले दिखाई देंगे। देखिए, आपको चित्र में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, बारीक बारीक पानी के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। पेंसिल के साथ भी जब आप ये क्रिया करते हैं तो भी आपको पानी के बुलबुले बारीक दिखाई देते हैं। ये बुलबुले क्या हैं? यदि आप सामान्य पानी के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्युत अपघटन के माध्यम से 2 भागों में अलग हो रही है। दो यौगिक का 2 भागों में टूटना या उनमें रासायनिक अभिक्रिया का होना ये कहलाता है विद्युत अपघटन। यहाँ पर क्या हो रहा है? पानी में बुलबुले जो आ रहे हैं वो वास्तव में क्या है? यहाँ पर पानी में विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, अर्थात पानी 2 अलग भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में विघटित हो रही है। ये प्रयोग आप अम्लीय पानी में कर सकते हैं, नमक का घोल लेकर के कर सकते हैं। जब आप नमक के घोल के साथ करेंगे तो क्या होगा? इसी प्रकार से जो बुलबुले होंगे वो किस में विघटित होंगे? सोडियम और क्लोरीन गैस। तो इलेक्ट्रोडों के पास जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में क्या है? 2 अलग-अलग गैस जो विघटित हो रहे हैं। विलयन में जो
परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है वो वास्तव में क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए, इसको मैं एक और चित्र आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको पेंसिल के साथ बताया, जो आप शायद अपने स्कूलों में करते भी हो, है ना? अगर स्कूल में नहीं कर रहे हैं तो आप ये तो बड़ी आसानी से घर पे भी कर सकते हैं। दो छिली हुई पेंसिल लेनी है आपको, जैसा चित्र में दिया है, दोनों ओर से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है, तो वो आपका विद्युत का सुचालक होगा और ये आपके लिए एनोड और कैथोड के रूप में कार्य करेगा। दोनों पेंसिल के दोनों सिरों को आप पानी में डुबा दीजिए और दो ऊपरी सिरों में विद्युत के तारों को जोड़ दीजिए। और विद्युत के तार जो पेंसिल के दोनों सिरों से जुड़े हैं, वो आकर के बैटरी के दो सिरों से जुड़ेंगे, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। जैसे ही ये बैटरी से जुड़ेंगे, थोड़े समय पश्चात इसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे। ऋणात्मक सिरा, उनसे कौन से बुलबुले निकल रहे हैं? हाइड्रोजन के। और धनात्मक सिरों से ऑक्सीजन के। ठीक है, जी अब हम ये प्रयोग करते हैं कुछ फलों, वनस्पतियों, या यहाँ पर हमने आलू लिया है। आलू के स्थान पर आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर के साथ भी ये आप कर सकते हैं, है ना? तो आलू में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है अथवा नहीं, इसे देखने के लिए हमने यहाँ पर पुनः चुंबकीय सुई का प्रयोग किया है। चुंबकीय सुई, जो आपने पहले एक परिपथ बनाया था चुंबकीय सुई का, उसे लेकर के आप चुंबकीय सुई के चारों ओर फिर से चुंबकीय सुई को माचिस के डिब्बे में रखेंगे और उसके चारों ओर तार को घुमाएंगे। तार को लपेटने के बाद तार का एक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को हम जोड़ेंगे आलू के साथ। वैसे ही आलू के साथ हम एक और तार लेंगे, आलू में हम उसे डालेंगे और दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे में जोड़ देंगे और कुछ समय के लिए हम उसे छोड़ करके रख देंगे। क्या देखते हैं? कुछ समय बाद चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगता है। यदि चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है, अर्थात आलू क्या कर रहा है? विद्युत का सुचालक है, ये विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने दे रहा है। यदि हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें, तब क्या होगा? आपको आलू में से जो जुड़ा हुआ तार है, इसके आसपास नीला हरा धब्बा दिखाई देने लगेगा। इसका अर्थात जी है कि विद्युत धारा से आलू में रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होना शुरू हो गया है। चलिए, इसे समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। सानिया की माँ, जिनकी जो कि शहर में रहती है, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती है। गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भैया, मैंने अपना खाना अभी खत्म किया है। अब हम जा रहे हैं टीवी देखने। तानिया, तुम जाओ और टीवी का स्विच ऑन करो, मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। ठीक भैया। क्या हुआ तानिया?
मुझे बिजली का झटका लगा। क्या तुम्हारे हाथ गीले तो नहीं थे? हाँ मम्मी, क्यों? अरे तुम्हें बिजली के स्विच से करंट लगा है। बिजली के स्विच पे करंट? क्या ये जो विद्युतरोधी नहीं होते? हाँ है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ गीले होते हैं और गीले होने की वजह से हमारा शरीर विद्युत के संचालक के रूप में काम कर सकता है, जैसा अभी हुआ। तुम्हारे हाथ गीले थे, इसी वजह से विद्युत के झटके लगे। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा शरीर विद्युत का संचालन कर सकता है, पर कैसे? विद्युत धारा तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातुओं से प्रवाहित होती है। सिर्फ धातुएं ही नहीं सानिया, कुछ तरल पदार्थ भी विद्युत का संचालन कर सकते हैं और पानी उनमें से एक है। तुम्हारे हाथों पर जो पानी की बूंदे थी उसने टीवी के स्विच से विद्युत का संचालन किया और तुम्हारे शरीर में करंट पास किया, जिससे तुम्हें झटका महसूस हुआ। ओह, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि द्रव्य भी विद्युत संचालन कर सकते हैं? क्या आप 5 ऐसी चीजों की सूची बना सकते हो जो कि अच्छे विद्युत संचालक हो? भैया, मैं सोच रही हूँ, जैसा कि मम्मी ने कहा कि कुछ तरल पदार्थ विद्युत धारा का संचालन करते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि कौन सा द्रव्य विद्युत का संचालन करता है और कौन सा नहीं? ओ हाँ, हम जरूर करेंगे। चलो एक गतिविधि करते हैं। वाह, मेरा पसंदीदा काम। दोस्तों, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? आप इस गतिविधि को घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस गतिविधि के लिए आपको निम्न चीजों की जरूरत होगी। एक बीकर या कांच का गिलास, बिजली के तार 3 टुकड़ों में, एक डबल आकार सेल, संपरीक्षक यानी विद्युत परीक्षक, निम्न द्रव्य, पानी, नींबू का रस, सिरका, आसुत जल, साबुन का घोल, शहद। भैया, मैंने यहाँ सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं। दोस्तों, याद है हमने कक्षा 7 में सीखा था कि घर पर चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करके कैसे संपरीक्षक बना सकते हैं? अगर घर पर आपके पास संपरीक्षक नहीं है तो आप चुंबकीय सुई से उसे बना सकते हैं। माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रे निकालिए और उसके अंदर चुंबकीय सुई रखिए। आप इस ट्रे के चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और आपका संपरीक्षण तैयार है। ठीक, सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? हाँ भैया। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पहले इस तार अ के एक सिरे को संपरीक्षित से जोड़ो। कर दिया। अब तार अ के दूसरे सिरे को डबल ए सेल के धनात्मक छोर से जोड़ो। हो गया। अब तार क के एक सिरे को संपरीक्षित से जोड़ो और दूसरे सिरे को ऐसे ही रहने दो। हाँ, हो गया। अंत में तार ख के एक सिरे को डबल ए सेल के ऋणात्मक छोर से जोड़ दो और दूसरे सिरे को ऐसे ही रहने दो। हमारा परिपथ लगभग तैयार है। अब आगे क्या करना है भैया? अब मुझे बीकर में पानी भरने दो और तुम तार अ और तार ख के खुले सिरे को पानी में डाल दो। विद्युत संपरीक्षित के दूसरे किनारे के सिरे में एक बल्ब लगाते हैं। ओह वाह भैया, विद्युत संपरीक्षित के दूसरे किनारे के सिरे में बल्ब लगाते ही बल्ब चल गया। हाँ सानिया, इससे यह पता चलता है कि अब हमारा परिपथ पूरा हो गया है और इसका यह मतलब है कि पानी विद्युत धारा का संचालन करता है। हाँ, यह कमाल का है।
दोस्तों आप इस गतिविधि को और भी द्रव्यों के साथ कर सकते हैं, जैसा कि कुछ द्रव्यों के बारे में भैया ने हमें पहले बताया था। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये सारी गतिविधियां शिक्षक के सामने हो। यदि आप चुंबकीय सुई संप्रेक्षक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि जब धारा परिपथ में प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। आप इस तालिका में अन्य द्रव्यों की पर्यवेक्षण को लिख सकते हैं। भैया अभी तक मुझे दो बातें तो समझ आ गई है। एक, विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग हीटर में किया जाता है, और दो, विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत धाराओं में किया जाता है। लेकिन क्या विद्युत धाराओं के कोई अन्य प्रभाव है जो देखे जाते हैं? हाँ सानिया, कभी कभी विद्युत धारा के माध्यम पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसे? चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्या तुम कुछ सामान इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ जरूर भैया। आलू, बिजली के तार तीन टुकड़ों में, डबल एंड और विद्युत संपरीक्षक जो हमने अपनी पिछली गतिविधि में इस्तेमाल किया था, सब कुछ यहाँ पर है भैया। अच्छा, अब सबसे पहले पिछली गतिविधि जैसा ही परिपथ बनाना है। तार को बैटरी और संप्रेषित से जोड़ दो। जोड़ दिया। तार के दो खाली छोर आलू में एक दूसरे से एक इंच दूरी पर डालें। हाँ, दोबारा से संप्रेषित का बल चल गया। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिपथ पूरा है। पर रुको, 20 मिनट बाद आलू को देखते हैं। 30 मिनट बाद देखो भैया, एक तार के पास नीला हरा सा धब्बा बन गया है। हाँ, आलू पर ऐसा धब्बा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण पड़ा है। ओह अच्छा, यह मजेदार है। हाँ, उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि विद्युत धारा का इस्तेमाल विद्युत लेपन में होता है। विद्युत लेपन, यह क्या है? क्यों ना तुम इस पर खोज करो। अच्छा दोस्तों, क्या आप मेरी मदद करोगे? आप अपनी किताब में यह जानकारी पा सकते हैं। जब आप जानकारी पा लें तो अपने घर पर विद्युत तो आपने समझा कि किस प्रकार से विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पड़ता है वीडियो के माध्यम से। आइए हम समझते हैं विद्युत लेपन क्या है। विद्युत धारा द्वारा किसी एक पदार्थ पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल का हैंडल सिल्वर कलर का चमकता हुआ आपको दिखाई देता है ना? उस पर बहुत जल्दी जंग नहीं लगती। या चाबी, ताले, ये जो है वो विद्युत लेपन के कुछ उदाहरण है। अर्थात विद्युत लेपन में क्या होता है, हम एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि वह जो धातु है वो संक्षारित ना हो, सुरक्षित रहे। आपने बहुत सारे आजकल इमिटेशन ज्वेलरी का नाम सुना होगा, या कुछ ऐसे आभूषण जो दिखते चांदी जैसे हैं पर चांदी के नहीं होते। उस पर किसकी परत चढ़ी होती है? चांदी की परत, या सोने की परत चढ़ी होती है। चलिए इसके लिए एक प्रयोग और है। आपने पिछली कक्षा में भी एक प्रयोग किया था धातु तथा अधातु में, कॉपर सल्फेट विलयन के साथ।
कॉपर सल्फेट विलयन के साथ हमने किया था, इसके लिए हमें एक इस प्रयोग में हमें चाहिए एक बीकर आसुत जल, कॉपर सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी और तांबे की दो प्लेटें। हमें क्या करना होगा, हमें एक बीकर में जल लेकर के उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को घोलना होगा और दो तांबे की प्लेटों को तार से जोड़ करके उसे बैटरी की सहायता से जोड़ के विद्युत परिपथ पूर्ण करेंगे और कुछ समय के लिए उसे हम छोड़ देंगे। जब हम इसे थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कॉपर सल्फेट जो है वो सल्फेट में अपघटित हो जाएगा और स्वतंत्र कॉपर आपको प्राप्त होगी और विलयन का रंग बदल जाएगा। जैसे ही विलयन का रंग आपका बदलेगा, आपको रंग बदलने से ही यह समझ में आएगा कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। आपने पिछली कक्षा में देखा था ना धातु अधातु में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, स्वतंत्र कॉपर जो है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ी होती है, ये दूसरे इलेक्ट्रोड जो कि तांबे की प्लेट से बना होता है वह विलयन में पुनः प्राप्त हो जाता है, आपको यहाँ पर नीचे विक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया हो रही है, कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर चला जाता है और जाने के बाद तांबे की प्लेट पर कार्बन की छड़ का उपयोग नहीं किया था, तांबे पर सल्फ्यूरिक अम्ल और तांबा अलग अलग हो जाए, कॉपर सल्फेट विलयन जो है उससे कॉपर की परत चढ़ जाएगी और शुद्ध तांबा आपको प्राप्त हो जाएगा। विद्युत लेपन का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, विद्युत लेपन का उपयोग हम कार के कुछ भागों में, नल की टोटी में, गैस के बर्नर में, साइकिल के हैंडल में या पहियों की रिम, पहियों की रिम मतलब साइकिल का जो रिंग होता है ना, चक्के की, साइकिल की पहिया या चक्के की जो रिंग होती है वहां पर भी हम क्रोमियम का लेपन करते हैं या विद्युत लेपन के द्वारा क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है ये जल्दी जंग नहीं लगता। दूसरा, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की पतली परत चढ़ाकर आभूषण का बनाया जाना। तीसरा है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। अगला है हमारा, विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। फेन प्लावन विधि में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो डिब्बे हैं उसमें टीन की परत चढ़ा दी जाती है ताकि ये संक्षारित ना हो, खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में आते ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे डिब्बों में टीन की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं और लोहा संक्षारित नहीं होगा और खाद्य पदार्थ आपका ठीक रहेगा। पुलों तथा स्वचलित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए भी लोहे का उपयोग किया जाता है जिसे जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। आपने कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा, काफी पुराना है, बहुत पुराना, लेकिन आज भी
वह कार्य कर रहा है। जंग लगकर के ब्रिज या वो पुल आज तक टूटा नहीं है, अर्थात इस पर भी धातु की परत चढ़ाई गई है जिससे कि ये जो ब्रिज है या पुल है वो लंबे समय तक अभी भी उपयोग में लाया जा सक रहा है या खराब नहीं हुआ है। अब हम समझते हैं विद्युत से, वोल्टिया से। इटली के वैज्ञानिक है आलेसांद्रे वोल्टा। आलेसांद्रे वोल्टा जो है उन्होंने विद्युत धारा प्राप्त करने का सफल प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने दो प्लेटें ली थी, एक तांबे की प्लेट और जस्ते की प्लेट। तांबे की प्लेट जो कि धनात्मक या एनोड के रूप में कार्य करता है और जस्ते की प्लेट जो कि कैथोड या ऋणात्मक रूप में कार्य करता है। एक बीकर लेकर के उन्होंने बीकर में लिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दोनों प्लेटों को, तांबे की प्लेट और जस्ते की प्लेट को विलयन में डुबो दिया। दोनों प्लेटों के ऊपरी सिरों को दो तारों से जोड़ा। एक तार जाकर के बल्ब से जुड़ता है, दोनों तार के एक एक सिरे जाकर के बल्ब से जोड़ेंगे। जब बल्ब से उन्होंने सिरों को जोड़ा तो कुछ समय पश्चात इसमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और बल्ब जल गया। जब बल्ब जल गया तो इससे यह निश्चित हो गया कि सेल के विलयन में विद्युत अपघटन हुआ और बल्ब जलने लगी। अर्थात यह जो द्रव है वो अपने में से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित भी होने दे रही है और साथ ही साथ यह विद्युत अपघटन इसमें हो रहा है। धातु की जो प्लेटें हैं उनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और क्योंकि इसे वैज्ञानिक आलेसांद्रे वोल्टा ने खोजा था इसीलिए इसका नाम वोल्टी सेल रखा गया। दूसरा है शुष्क सेल, जिसका उपयोग आप साधारणतया करते हैं रिमोट में या टॉर्च में। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जिंक का एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें रिन जो कि रिन इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। इसके अंदर नौसादर या अमोनियम क्लोराइड जो कि विद्युत अपघट्य है वो भरा होता है। जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा होता है। पात्र के बीच में मलमल का एक थैला होता है जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड, नौसादर, जिंक क्लोराइड और कार्बन का मिश्रण भरा होता है। इसके बीचों बीच कार्बन की एक छड़ होती है जिसका ऊपरी सिरा बाहर की ओर निकला होता है। कार्बन की छड़ के ऊपरी सिरे पर पीतल की एक टोपी होती है जो कि आपको मदद करता है किसमें, जब हम तारों को आपस में जोड़ते हैं तो विद्युत का संचालक होने के कारण यह धन इलेक्ट्रोड के रूप, माफ कीजिएगा, विद्युत का संचालक होने के कारण हम इससे आसानी से तार को जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है ना। इसमें एक बारीक छेद होता है जिससे कि सेल के अंदर बनने वाली गैस बाहर निकल सके। और जब हम दो या दो से अधिक सेल को या बैटरी को आपस में जोड़, माफ कीजिएगा बैटरी नहीं कहूंगी, जब हम दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं बैटरी। सेलों की श्रेणी को हम कहते हैं बैटरी। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है सेल का एक और प्रकार, बटन सेल, जिसका उपयोग हम कैलकुलेटर में या हाथ की घड़ी में उपयोग करते हैं। अगला है हमारा सौर सेल। सौर सेल सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करता है और सिलिकॉन के सेल बने होते हैं जिसके माध्यम से ये हमें विद्युत प्रदान करता है। विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए हम कई सारे सेलों को आपस में जोड़ देते हैं जिससे कि हम घरों में विद्युत प्रवाहित करते हैं और रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। एक सेल से यह संभव नहीं है, है ना। तो चलिए ये पाठ तो हमारा पूर्ण हुआ और कुछ प्रश्न है आपके लिए, इसे जरूर कीजिएगा। दो परिपथ हमने दिया है, परिपथ अ, परिपथ व,
और इसका अवलोकन आपको करना है। अवलोकन करने के पश्चात देखिए कि किसमें बल्ब जल रहा है, किसमें नहीं जल रहा है। यदि बल्ब जल रहा है तो क्यों जल रहा है, और नहीं जल रहा है तो क्यों नहीं जल रहा है, ये किस गुण को दर्शा रहा है परिपथ के, उसे देखिए। दूसरा प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तीसरा है, द्रव के सुचालक होने पर भी ऐसा होता है कि बल्ब ना जले।